उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला जनपद चित्रकूट है, यह बात ऐसे नहीं कही जा रही है, क्योंकि जनपद चित्रकूट का पिछड़ा जिला नीति आयोग की लिस्ट में है। ये और यही वजह है कि चित्रकूट के विकास के लिए जाने ग्लोबल सिटी बनाने की प्रशासन ने क्या योजना रखी है। ग्लोबल सिटी की कड़ी को देखते हुए चित्रकूट में पौराणिक धरा को जोड़ते हुए यहाँ पर पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग काम कर रहा है। नगर के विकास की अगर बात की जाए तो करबी नगर पालिका ने ट्रैफिक चौराहा का सौंदर्यीकरण से लगाकर चौड़ीकरण नगर पालिका के हाथ में ग्लोबल सिटी बनाने के लिए दे रखी गई है, जिस पर पार्कों का निर्माण, खजुराहो कहे जाने वाले गणेश बाग का भी उद्धार होगा। शहर के बीच में पुरातत्व विभाग के हिस्से में आया या कोठी तालाब जो कभी गंदगी का अंबार हुआ करता था, इसके लिए भी सरकार ने सोच लिया है। हालांकि ग्लोबल सिटी की शुरुआत हो गई है, जब ग्लोबल सिटी बनकर चित्रकूट तैयार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है चित्रकूट भी जगमगा लगेगा। नगर पालिका के विस्तार से यह साबित हो गया है कि ग्लोबल सिटी चित्रकूट अगर बन गई तो देश विदेश के लोग चित्रकूट में जरूर आएंगे। कभी चित्रकूट डकैतों के नाम से जाना जाता था और भगवान श्री राम की तपोस्थली के नाम से जाना जाता था। हालांकि नगर पालिका की ईओ क्या कहते, आइए जानते हैं। मैं लालजीत अशासी अधिकारी नगर पालिका प्रशासन बोल रहा हूँ। नगर विकास विभाग द्वारा 100 दिन का कार्य योजना प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत यूपी ग्लोबल सिटी अभियान, इसके 5 घटक हैं। पहला है स्वच्छ विरासत अभियान, दूसरा है स्वच्छ ढाबा अभियान, तीसरा है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और चौथा है स्वच्छ कुंभ मेला अभियान और पांचवा जो है हमारा है सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ जनपद चित्रकूट धाम में रामघाट को चयनित किया गया है स्वच्छ विरासत अभियान, जिसके अंतर्गत हमारे 14 तारीख को पतंग महोत्सव के द्वारा उद्घाटन किया गया है। 21 तारीख को हमारे नगर पालिका परिषद के अंतर्गत रामघाट मैराथन रन T20 दौड़ आयोजित किया जाएगा। फिर 24 को गो गोविंद द्वारा का समापन किया जाएगा। इस तरह से सारे अभियान हमारे यहाँ क्रम से कार्ययोजना बनाकर संपादित की जाएगी, जिससे कि हमारा ये नगर पालिका परिषद वैश्विक स्तर पर जो भी अच्छे मानक हैं उसको हम प्राप्त कर सकें, सारी सुविधाएं मिल सकें और हमारा नगर पालिका साफ सुथरा रहे, स्वस्थ रहे। यही मेरी